कांग्रेस के कौमी बुलारे अते सांसद मैंबर मनीष तिवाड़ी का कहना है कि पंजाब विच हिंदू सिख की गल करन वाले ISI के एजेंट हैं जो पाकिस्तान के हाथों में खेड रहे हैं। बीते दिन सबका केंद्रीय मंत्री अते सीनियर कांग्रेसी आगू अश्विनी कुमार ने पार्टी छड़न मौके कहा कि यह राज्यसभा सीट के लालच का नतीजा है। लुधियाना विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे मनीष तिवाड़ी ने कहा है कि पंजाब विच हिंदू सिख एकता बहुत जरूरी है। उन्हां दा कहना है कि चोणां वेले हिंदू सब नूं याद आउंदे हन पर पहलां कोई गल क्यों नहीं करता। अश्विनी कुमार दे कांग्रेस छड्डण बारे उन्हां दा कहना है कि यह राज्यसभा दे लालच दा नतीजा है। इस तरह पार्टी छड्डण बारे उन्हां दा कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी दे कई साल पार्टी नूं दित्ते हन। उत्थे प्रियंका गांधी वालों दस्तार नूं रह के दित्ते बयान ते उन्हां दा कहना है कि दस्तार दा सन्मान होना चाहीदा है। उन्हां ये भी कहा कि वह विचारधारा से काम करने वाले व्यक्ति हैं और कांग्रेस की विचारधारा से चल रहे हैं। तो पहला तो गुरु रविदास जी की जयंती ते मैं थोनू सारयां नू और थोड़े राही सारे पंजाब वासियां नू बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहुंदा। दूजा तुसी साडे अज गृह निवास से आए थोड़े सारयां दा बहुत बहुत स्वागत हैगा। 20 फरवरी नूं पंजाब दे विच चोणां होण जा रहियां ने। पंजाब ने अपनी नवीं सरकार दा फैसला करना है और हर चोण बहुत ही अहम हुंदी हैगी है, पर जिस वड्डे संघर्ष चों पंजाब पिछले दिनों निकलिया हैगा ये चोण होर भी अहम हो जाती है। पंजाब की 1966 संरचना हुई सीगी और 1967 पंजाब पहली चोण हुई सी और 1967 की चोण नूं छड्ड के 72 की चोण तो लैके 2017 तक पंजाब ने हर बारी बड़ा साफ फैसला दिता है जिहदी भी सरकार बनाई हैगी। 1967 तो लेके 2017 तक पंजाब दे विच सीधा मुकाबला रहा कांग्रेस और अकाली दल दा, और फिर जदों भाजपा का गठबंधन हो गया अकाली दल नाल कांग्रेस और भाजपा अकाली गठबंधन दे विच इस बारी पंजाब दा जिहड़ा सियासी माहौल है वह बड़ा होर किस्म दा है। बहुत पार्टियां चोण मैदान च उतरिया हुई ने। कांग्रेस पार्टी है जिन्हें 5 साल सरकार चलाई हैगी है, अकाली दल बसपा का गठबंधन हैगा, उदे अलावा आम आदमी पार्टी है, भाजपा इस बारी कल्ली चोण लड़ रही है और किसानां दी पार्टी अपनी जोर अजमायश कर रही है। और इसलिए मेरा यह तजुर्बा है, मैं पहली फरवरी तो चोण प्रचार च घूम रहा हैगा कि पंजाब दा जिहड़ा वोटर है उदे मन दे विच असमंजस है। पंजाब दे विच जिन्हों कहने सियासी कन्फ्यूजन हैगी, पर मैं थोड़े राही वोटरां नूं ये अपील करना चाहुंदा, पंजाब दे अवाम नूं ये अपील करना चाहुंदा कि पंजाब दियां जिहड़ियां समस्यावां ने एक सरहद दा सूबा होण दे नाते वो बाकी सूबियां तो बहुत वख ने और इसलिए पंजाब दे विच जिहड़ी सब तो बड़ी लोड़ हैगी है वो राजनीतिक स्थिरता की लोड़ हैगी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी की लोड़ है। किसी होर सूबे दे विच जे पोलिटिकल स्टेबिलिटी ना होवे तां कम चल जांदा हैगा, पर पंजाब वर्गे सूबे दे विच अगर पोलिटिकल स्टेबिलिटी ना होवे तां उहदे वख-वख किस्म दे परिणाम हुंदे ने। और इसलिए मैं
ये बेनती करना चाहना कि पंजाब दे लोकां नू आउण वाली 20 फरवरी नू बहुत साफ और डिसाइसिव फैसला करन दी लोड़ हैगी है। और इस चीज़ दे बावजूद कि पिछले कुछ दिनों तो कोई थोड़ी मोटी नोक झोंक कांग्रेस पार्टी दे विच चलदी रही है, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिहड़े पंजाब दीआं समस्यावां नूं समझदी है, जिहड़ी पंजाब दी बड़ी विशेष परिस्थिति है उहदे नाल पूरी तरह नाल जाणू है, और इहदे नाल नाल कांग्रेस पार्टी कोल इह तजर्बा है कि केंद्र 'च भी और सूबियां दे विच भी सरकार किवें चलाउणी हैगी है। और इसलिए क्योंकि लुधियाणा मेरा पुराना संसदीय हलका रहा है, असीं कल इत्थे चोण प्रचार चाहे सीगे और मैं ये सोचिया कि पुराने साथियां नाल एक वारी दोबारा तो रूबरू हो जाना चाहिदा हैगा, और इसलिए मैं थोड़े राही दो बेनतियां करना चाहुंदा हां, फिर थोड़े सवालों का जवाब दूंगा। पहली बेनती तो ये कि आउण वाली 20 फरवरी नूं पंजाब दे आवाम नूं एक साफ फैसला देण दी लोड़ हैगी है, एक डिसाइसिव मैंडेट देण दी लोड़ हैगी है। और दूजा मैं ये अपील करना चाहुंदा हैगा कि ये जिहड़ा मैंडेट है ये कांग्रेस पार्टी दे हक च होवे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े जिहड़े सवाल ने आई एम मोर देन विलिंग टू आंसर देम। देखो इदा है कि तजर्बे सूबियां नू बहुत महंगे पैंदे ने, और जिवें मैं कहा कि पंजाब दी एक बड़ी विशेष परिस्थिति है, और सरहद दा सूबा रहण दे नाते इहदे सामने जिहड़ियां चुनौतियां ने ओह बड़ी ही बड़ी यूनीक किस्म दीआं चुनौतियां हैगीआं। और जिहड़े लोग स्वच्छ सरकार दी गल करदे ने उहनां नूं पंजाब समझदे समझदे 5 वरे लग जाणे ने, क्योंकि पंजाब नूं समझणा और पंजाब नूं चलाउणा ये कोई सौखी चीज़ नहीं है। किसी होर सूबे दे विच जे किसी की सरकार होवे ओ जिहड़े सूबे ने वो अपने आप भी चल जांदे ने, पर पंजाब एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति चों निकलिया होया सूबा है। देखो 47 दे विच जदों मुल्क का विभाजन होया, पार्टीशन हुई, उजाड़ा पिया, उदों सब तो वड्डा नुकसान पंजाब दा होया सी। थोड़े 2 करोड़ लोग जुलाई सितंबर 1947 दे विच अपना बॉर्डर ते मरे, 15 करोड़ तो ज़्यादा लोग बेघर हो गए, और उस तो अलावा 1980 तो लेके 95 तक पंजाब ने जिहड़ा पाकिस्तान तो अतवाद आता है वह संताप भोग गया है। और इसलिए पंजाब की जिहड़ी समाजिक पृष्ठभूमि है वो बाकी सूबियां तो बहुत वख हैगी है, और इसलिए ये जिहड़ा नारा है कि असी स्वच्छ सरकार देवांगे, ये नारा जिहड़ी पंजाब की प्रशासनिक नुएंसिस ने उन्हूं कैप्चर नहीं करता है, और इसलिए सब चीज़ के बावजूद मेरा यही मानना हैगा कि आज भी कांग्रेस पार्टी पंजाब नू एक स्थाई सरकार देने दे विच सब तो शायद बेहतर पार्टी है, और इसलिए असी थोड़े रूबरू हुए हैं। वन बाय वन सब छोड़ रहे हैं कांग्रेस, इसको सीरियस लेना चाहिए कांग्रेस को।
पहले पंजाब की गल कर ली ना फिर कर लेंगे कि कहना बॉर्डर को लेकर सुरक्षा की बात कर रहे हैं। कल केजरीवाल साहब ने सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जो बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं या जो भी तैनात है उनकी मिली भगत से ही पंजाब का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जाती है। नशा भी बॉर्डर एरिया से मिली भगत से आता है और हथियार भी। कहाँ तक आप सही मानते हैं, लगता है कि ये सही बात है? देखो ताही मैं थोनों एक गल कही सी कि पंजाब की जड़ी परिस्थिति है, पंजाब के जड़ी चुनौतियां ने, पंजाब के जड़े चैलेंजेस ने बड़े वख किस्म के चैलेंजेस थे और उन्होंने समझन च इन्हों नू 5 साल लग जाने थे। और इसलिए जड़ी जड़ा बयान दिता है कि सुरक्षा एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट हैगी है, ये बड़ा गंभीर बयान है। और जे केजरीवाल साहब को इसके कोई प्रमाण हैगे ने तो उन्होंने जरूर मुल्क दे सामने वो प्रमाण रखने चाहिए ने। ये कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पंजाब दे विच हथियार भी भेजता है, नशा भी भेजता है, पंजाब नू डीस्टेबलाइज करने की कोशिश 1975 तो करता आ रहा है। पर यह कहना कि उहदे च हिंदुस्तान दी सुरक्षा एजेंसीज लिप्त ने, यह बड़ा गंभीर बयान है। और इसलिए ये जो कोई प्रमाण उन्हां कोल हैगे ने उन्हां नू प्रमाण लोगों के सामने रखने चाहिए ने। वन सैकेंड, देखो मैनू नहीं लगता कि पंजाब का आवाम यह जहा कोई फैसला देन जा रहा। अज की तरीक दे विच भी जिवें 2017 च रौला बहुत सी पर जदों रिजल्ट निकले तो रिजल्ट कह के इन्होंने बिल्कुल ही होर सके। और इसलिए अज एक जरूर अभी चोणा तो 5 दिन पहला आप गल कर रहे हैं, अज जरूर एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। हलका लुधियाना पछमी की बेदाग शख्सियत साफ किरदार महेशिंदर सिंह गरेवाल इस बार हलका लुधियाना पछमी तो अकाली बसपा गठजोड़ दे सांझे उम्मीदवार महेशिंदर सिंह गरेवाल नू अपना कीमती वोट पाओ, हलका पछमी दा विकास करवाओ, अकाली बसपा सरकार लियाओ।